गुड मॉर्निंग जैन साहब, बताएं अपना स्टॉक सर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड, ये एक स्टॉक है जो कि वन ऑफ द टॉप एफएमसीजी कंपनीज है इंडिया में और काफी सस्ते पी मल्टीपल पे। जैसे आईटीसी की हम बात करते हैं, वो भी 17-18-15 की, अब तो और मैंने देखा नहीं और गिर भी गया होगा, इतना ही पी मल्टीपल पे है। ये भी 17 के पी मल्टीपल पे एक बजाज कंज्यूमर केयर जैसी कंपनी, जो कि एज ओल्ड कंपनी, और आप तो काफी शायद इसके प्लांट उदयपुर में भी है एक, जहां पे ब्रह्मी आंवला कैश तेल और वो आलमंड ड्रॉप्स का तेल जो इनका बनता है, जो कि फेमस ब्रांड है, इनफैक्ट नंबर वन ब्रांड है वो पूरे इंडिया में, ये पर्टिकुलरली बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, जो कि हेयर केयर में तो ये कंपनी जबरदस्त ही है। स्किन केयर में भी कंपनी ने नोमैक्स बोल के एक ब्रांड है जिसको टेक ओवर किया था, जिससे वो लोग उसमें भी काफी अच्छी वो बना रहे हैं। फिर उन्होंने एक बजाज नोमैक्स सैनिटाइजर भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो कि अच्छा एक्सेप्टेंस है उसका भी, एंड ओवरऑल अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस को भी काफी बढ़ा रहे हैं। करीब 30 कंट्रीज में इन्होंने अपने वो फैला रखे हैं बिजनेस को। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि बजाज कंज्यूमर केयर काफी अंडररेटेड कंपनी है एफएमसीजी सेगमेंट में, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी बजाज ग्रुप की कंपनी है। बट ये शायद मुझे याद है कि बहुत अच्छा कन्विक्शन मुझे जब मिला था, जब बंसल जी ने और कुणाल जी ने भी स्टॉक को रेकमेंड किया था, और उसके बाद तो बहुत जबरदस्त उमदा मूव दिया था, ऊपर 324 तक ये स्टॉक गया हुआ है, फिर उसके बाद एक करेक्शन दिखाया और अपने ऑलमोस्ट टेक्निकली 200 डेमास के आसपास है, तो मुझे डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है। और कुछ इसमें पास्ट में इश्यूज थे, 400-500 रुपए की रेंज में भी ये स्टॉक चलता था 2014 में, मुझे याद है मैंने रक्षाबंधन के टाइम पे इस स्टॉक को भी रेकमेंड किया था, उसका जबरदस्त करेक्शन आया और फिर कई चेंजेस आए हैं कंपनी में, कुछ शेयर होल्डिंग रिलेटेड और ये सब, तो उसके बाद जब चेंजेस आते हैं तो जबरदस्त परफॉर्मेंस में भी चेंज दिखा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक का जब फंडामेंटल्स में देखता हूं तो 37-38 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिर 31 की रिटर्न ऑन इक्विटी है और जीरो डेट कंपनी, ऑलमोस्ट सिर्फ 5 करोड़ का एक डेट है छोटा सा। सबसे बढ़िया बात है डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 4%, 3.78% का डिविडेंड यील्ड, और कंपनी कंसिस्टेंटली मतलब 57-58 करोड़ रुपया कमाते आ रही है, तो एक बहुत बढ़िया पॉइंट मुझे लगता है, और बहुत अच्छा डिविडेंड पेआउट रेशियो है जब भी इतना बड़ा डिविडेंड यील्ड बैठता है, और बहुत बढ़िया बढ़िया नामचीन एफआईआईज इसमें एंट्री लिए हुए हैं, 25-26% एफआईआईज की स्टेक है, डीआईआईज की 16-17% है, तो इस तरीके से इतना कॉन्फिडेंस इनको वहां से मिला और फिर पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी। सो ओवरऑल मैं देखता हूं तो मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है, और पहले एक प्लेज हुआ करता था इसमें शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर्स की, तो वो भी पूरी हट गई है, तो काफी लास्ट ईयर भी हट गई थी, मतलब एक साल हो गए उस बात को। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए इन लेवल्स पे, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है और ऐसे स्टॉक्स ऐसे लेवल्स पे मिलते हैं। तो सबसे बढ़िया बात मुझे लगता है मार्केट्स में, कल तो मैं बहुत डर रहा था जब मैं स्मॉल कैप मिड कैप्स देता हूं जनरली, और 10 बजे मेरा एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में भी 3 स्टॉक्स देने थे, एंड उसके बाद से उस दौरान भी मैंने थोड़ा सा लोगों को थोड़ा वो देने की कोशिश की, प्रोत्साहन की, भाई कुछ नहीं होगा और हो सकता है कि कुछ रेगुलेशंस और ये सब को लेकर भी कुछ चेंजेस आए हों, तो उसकी वजह से एक ओवरऑल सेंटिमेंट्स थोड़ा वीक था, बट उसके बाद क्लैरिफिकेशन के बाद जबरदस्त माहौल बना हुआ है और अब सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, जो भी क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स, और मुझे कई लोग अभी मैसेजेस भी कर रहे हैं ट्विटर पे डाल रहे हैं, सर क्या करें क्या करें, डरना नहीं है, क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स चलते रहेंगे जहां पे भी अच्छा परफॉर्मेंस है, घबराएं नहीं। और ये वैसा ही स्टॉक है, सिर्फ 4 करोड़ में एक अच्छी कंपनी मिल रही है बजाज कंज्यूमर केयर, मेरे हिसाब से 490 का जब पहले हाईज बनाया हुआ ये, और अब मैं 320 का टारगेट दे रहा हूं स्टॉक। ओके, 320 ही बताएं जिन साहब, कितना बताया टारगेट? यस, 320 अनिल जी, बिल्कुल 320। इसके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट्स का कुछ आइडिया है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके यूज किए मैं प्रोडक्ट सर आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, कभी भी आप कोई भी सलून में या पार्लर में जाएंगे तो वो लोग सबसे पहले जो मसाज के लिए तेल निकालते ये निकालते, इसमें थोड़ी खुशबू आती है, इसीलिए ये मेरा एक्सपीरियंस है, पता नहीं मेरे साथ ये हुआ हुआ है। और फिर जो दूसरा है आंवला तेल जो इनका, वो बहुत फेमस है। फिर नोमैक्स मैंने हालांकि यूज नहीं किया, ठीक है भगवान की दया से मेरे वो नहीं है, मार्क तो एक बड़ा है बट वो पिंपल्स और ये सब के लिए लोग यूज करते हैं। So I think it's a fantastic company and जबरदस्त मतलब margins और सारी चीजें बहुत बढ़िया लगती है, और products तो आप hair oil में number one brand है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। तो आपने ऐसा पूछा क्यों अनिल जी, वैसे इसके पीछे बताइए पक्की आपकी? नहीं, मैं चेक कर रहा था, रिसर्च कितनी की हुई है,
रिसर्च कितनी की हुई मैं चेक कर रहा था थोड़ा सा, मैंने कहा एक बार चैनल चेक किया कि नहीं किया है। अच्छा बंसल जी कुछ कह रहे हैं आपको? जी जी बंसल जी, देखिए अनिल जी दो तीन चीजें कहनी है। पहले तो अनिल जी जैन साहब का धन्यवाद है, ये स्टॉक अनिल जी रिकमेंड करा हुआ है मैंने और लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैन साहब की इतनी बड़ी रिसर्च के बाद लोग मुझे छोड़ के अब जैन साहब के पीछे पड़ेंगे। तो एक तो धन्यवाद है जैन साहब का, और दूसरा अनिल जी एक चीज दीपांशु से पूछनी है। अभी जैन साहब ने बोला इनका बजाज आलमंड, अनिल जी आलमंड होता है कि आमंड होता है? एक बार आप दीपांशु से पूछिए अनिल जी, क्योंकि मैं तो मतलब कि सीख सीख के मुझे सिखाया गया है कि आमंड होता है, आलमंड नहीं होता है। और जैन साहब से ये वाली इंग्लिश की अनिल जी उम्मीद नहीं है। अरे नहीं नहीं मैं जानबूझ के आलमंड बोला हूँ, वैसे आमंड ये बात तो बहुत सही है आपने। मैं जानबूझ के बोलता हूँ वैसे नहीं, ये बहुत बढ़िया। क्या ये पहली चीज तो ये कि आपने ये सवाल पूछा। जी जैन साहब, जैन साहब कुछ कह रहे हैं? जी जैन साहब, नहीं नहीं क्या होता है कई बार वो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन करने में लोग समझते नहीं है, जैसे जेड को जी बोले, अब लोग ढूंढते रहेंगे कि जी है ए बी सी डी जी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जानबूझ के इसको जो अपने, क्योंकि हम हिंदी चैनल है और हम लोगों से जुड़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो मैंने जानबूझ के आलमंड बोला। बट बाकी प्रोनाउंसिएशन तो देखिए बहुत सारों के बहुत स्टाइलिश प्रोनाउंसिएशन। बादाम तेल सबसे आसान काम ये ठीक है, झमेला ही खत्म इसका। जैन साहब सबसे आसान काम बजाज का बादाम तेल। हाँ बजाज का बादाम तेल, लेकिन अच्छा हुआ आपने एक तो ये सवाल पूछा, दूसरा बंसल जी मुझसे नहीं पूछा, दीप से ही पूछा। दीप पहले तो ये बताया कि ये आमंड होता है या आलमंड होता है? अच्छा आलमंड होता है तो एलमंड क्यों नहीं होता, ए से शुरू हो रहा है, तो ये भी बताइए। अनिल जी ऐसे कंफ्यूजिंग सवाल हैं ये बंसल जी के, बट सर जैन साहब की प्रोनाउंसिएशन के साथ जाना चाहिए सर, वो इतनी कंट्रीज घूमे हुए, इतनी जगह गए हुए, तो उन्हीं का एक्सपीरियंस लेते हैं सर, और जो वो कह रहे हैं वही ठीक होगा। जैन साहब आपने क्या कहा, आलमंड कहा ना जैन साहब ने? नहीं वैसे आलमंड बोलते हैं, बट मैंने आलमंड जानबूझ के मैं बोलता हूँ, कई बार क्या होता है हमें रिलेट करना पड़ता है जो लोग समझ जाए। आलमंड आलमंड में फिर क्या है, वो बादाम, आपने तो पूरा ही सोल्यूशन खत्म कर दिया, बादाम तेल, बादाम गिरी होगा, बादाम तेल होगा, जो भी होगा मतलब। हाँ बादाम, बस बादाम, हाँ आपने तो जो समझ में, बादाम में सब समझते हैं। और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन लोगों के दिमाग तेज हैं, उन्होंने बचपन में बादाम जरूर खाई होगी, और फिर बस अपना इस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सही नाम आप अपने आप चुन ले। शुक्रिया जैन साहब बेहतरीन पिक देने के लिए। बजाज कंज्यूमर्स 320 का टारगेट जैन साहब की तरफ से आता हुआ आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, कुछ और स्टॉक्स हैं जो दमदार